तो यस बैंक कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है कल का? तो इसका अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 13 रुपीज़ 30 पैसा इसका अपर टारगेट रहेगा दोस्तों, यानी मंडे का बारे में बात कर रहे हो दोस्तों। और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए तो 12 रुपीज़ 90 पैसा इसका लोअर टारगेट रहेगा, पर मैक्सिमम चांसेस है कि स्टॉक दोस्तों गिर सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था कल। तो उसके बाद भी दोस्तों पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ, और किसी भी फील्ड पर अगर खुद का नॉलेज नहीं होगा दोस्तों तो उस फील्ड पर लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं पाओगे। तो ज़्यादा टाइम तक टिकने के लिए आपको उस फील्ड का नॉलेज गेन करना होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि कैंडलस्टिक बटन को चेक करना पहले सीख लो दोस्तों। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और हम किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। और दोस्तों कभी भी किसी से उधार लेके पैसा स्टॉक मार्केट पर मत लगाओ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।